अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने अमान में रखे। तो आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट, प्योर चॉकलेट केक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने स्पंज ले लिया। स्पंज की रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चॉकलेट मिल्क ले लिया है मैंने, इस तरह का होता है। 1 कप मैंने दूध ले लिया था, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून शुगर डाल दी थी और थोड़ी सी चॉकलेट डाल के थोड़ी सी देर पका लिया था। आप तैयार भी ले सकते हैं, चॉकलेट मिल रेडीमेड जो मिलता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अभी इसे हम दूध, इससे चॉकलेट वाली मिल्क से ही केक को सोक करेंगे। बहुत मज़ेदार सा केक बनने वाला है। हमने चॉकलेट मिल्क डाल दिया इसके ऊपर। अब इसके ऊपर जाएगी गनाश। गनाश की रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमने केक के ऊपर गनाश स्प्रेड कर दी। आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा लगाएं, अगर कम पसंद है तो कम लगाएं। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ मिल्क चॉकलेट। आपको जो चॉकलेट पसंद हो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर रखेंगे केक की दूसरी लेयर, इसे भी हम मिल्क से सोक करेंगे, चॉकलेट मिल्क से, जैसे हमने पहले किया था। हमने मिल्क डाल दिया। अब इसके ऊपर दोबारा गनाश लगाएंगे। हमने गनाश लगा दिए, दोबारा इसके ऊपर चॉकलेट डालेंगे हम। चॉकलेट हमने डाल दी है। अभी केक की तीसरी लेयर रखेंगे इसके ऊपर और इसे भी हम दूध से सोक कर लेंगे। हमने चॉकलेट मिल्क से केक को ऊपर भी सोक कर लिया। अब इसे हम कवर करेंगे चॉकलेट से, गनाश डालेंगे, अच्छी तरह से पूरे केक को हम कवर कर लेंगे। पहले पूरे केक को हमने चॉकलेट से कवर कर दिया गनाश से। अब स्क्रैपर है मेरे पास, इस तरह रख के इसे घुमाएंगे। अभी देख सकते हैं केक हमारा सेट हो चुका है। मेरे पास ये स्प्रिंकल है मल्टी कलर के, ये मैं थोड़े थोड़े से इसके यहाँ पर साइड पे डालूँगी, नीचे यहाँ इस साइड पे, इस तरह से पूरे राउंड में डालेंगे हम। मैंने पाइपिंग बैग में गनाश भर दिए। 1 mm का नोज़ल है मेरे पास, इसे हम डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से प्योर चॉकलेट केक हमारा तैयार हो चुका है। बहुत मज़े का और ज़बरदस्त बना है। आप ज़रूर बनाइए, कमेंट में बताइए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। मिलेंगे इंशाल्लाह एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।